वहीं जीएसटी काउंसिल की आज अहम बैठक है और इस बैठक में दरें बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य दरें बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। जीएसटी की मौजूदा दर व्यवस्था के तहत उम्मीद से कम राजस्व के चलते कर ढांचे में बदलाव को लेकर चर्चा तेज हुई है। बैठक से पहले केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के तहत राज्य को 35,298 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो 35,298 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो एक बार फिर से जीएसटी को लेकर नाराजगी, बैठक में दरें बढ़ाने पर फैसला जो है वो हो सकता है। कई राज्य दरें बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में ये बैठक होने जा रही है और माना जा रहा है कि जो दरें हैं वो बढ़ाई जा सकती है। हालांकि राज्य के जो व्यापारी हैं उनकी तरफ से इन दरों को बढ़ाने का विरोध किया जा रहा है।